लेते राइट साइड से न्यू जाके काफी इजी किल ले सकते हैं यहाँ पे। क्लच गॉड स्ट्रे दिया यहाँ पे, एक्सोडिया भी नॉकआउट, और यहाँ पे आई गेस न्यू ने नॉकआउट किया। सो दो बंदे काफी इजी किल मिल गए यहाँ पे टीम एंटिटी को, और अलग अलग यहाँ पे रीपर एक्स की टीम को घूमना पड़ा। महंगा जेड गॉड यहाँ पे दो बंदों के बीच में फंसे हुए हैं, और जेड गॉड यहाँ पे मौका नहीं देना चाहते जब तक कवर नहीं आता। मुझे लगता है जेड गॉड को अपनी पोजिशन नहीं रिवील करनी चाहिए। सो एक्स जनर नेड करते हुए यहाँ पे जेड गॉड राइट साइड पे घर से बाहर, नेड जरूर गया बट मुझे नहीं लगता है नेड कनेक्ट होने वाला है। न्यू यहाँ पे स्पॉट कर चुके हैं, कवर आते हुए घातक की तरफ से, घातक को नॉकआउट किया एक्सजनरेट ने, बट न्यू का जबरदस्त कवर, और यहाँ पे काइनेटिक लास्ट बंदा बच चुका है गाइज टीम रीपर एक्स की तरफ से। और यहाँ पे ओपन में खुल्लम खुल्ला रिवाइव देते हुए घातक को, अगर रीपर एक्स यहाँ पे आता है सो रीपर एक्स शायद यहाँ पे दो किल भी ले सकता है। जेडगोड घर के अंदर घुसते हुए शायद सरप्राइज मिल सकता है जेडगोड को, बट यहाँ पे पोजिशन पता लगी, स्प्रे आया यहाँ पे, और लास्ट में जोन वहां से क्लोज इन कर देगा, और जोन के अंदर आना यहाँ मुश्किल हो सकता है टीम जेड का। ब्लेजी को नॉकआउट किया जेड गोड ने, सो जेड गोड कर नॉकआउट जरूर मिला था हाइप की टीम की तरफ से, बट अभी एमजी जेड की टीम के लिए मुश्किल हो सकता है। लियो का थंडर भी नॉकआउट, सो एंटिटी की टीम यहाँ पे तीन टीम से फाइट ले रही है, और तीनों टीमों का एक एक बंदा नॉकआउट किया। घातक ने एक बार दोबारा से हाइप के गुरखा वाइटी को नॉकआउट किया, सो एक बार घातक के पास ही चले गाइस हम, और घातक ने वैनम को फिनिश ऑफ कर दिया गाइस। आई गेस वैनम को टोटल क्वांटिटी के क्लच गॉड ने नॉकआउट किया गाइस। सो पे एंटिटी की टीम आज रुकने का नाम नहीं ले रही है, बिकॉज चार टीमों के एक एक प्लेयर नॉकआउट किया, चार टीमों के पांच प्लेयर, और 7S ग्रिफिन ने मोटल को कर दिया फिनिश ऑफ। तो मोटल इस मैच से बाहर होते हुए, फनेटी कैश एक प्यारा सनेड, और यहाँ पे लॉर्ड सेंस नॉकआउट, 7S ग्रिफिन ने यहाँ पे रेगल्टोस को नॉकआउट किया, परितोष को यहाँ पे किल मिल चुका है लॉर्ड सेंस का। अभी चलते टीम फनेटिक के पास, और यहाँ पे बीटीआर की टीम को फिनिश ऑफ किया टीम फनेटिक ने। ओवेश जरूर नॉकआउट हुए थे यहाँ पे, बट ऐश का यहाँ पे काफी अच्छा कवर आते हैं, और परितोष भी साथ में ही थे, तो बट अभी भी तीन प्लेयर यहाँ पे बाकी है। स्काउट ऑफ वीरू को लगातार टपा टप देते हुए, बट यहाँ पे काफी ज्यादा चोट लिए जा रहे, कवर थोड़ा सा यहाँ पे मिलते हुए झाड़ियों का, और उसी की वजह से यहाँ पे, बट स्काउट ने फाइनली यहाँ पे किल ले ही लिया वीरू का। 7C का फाइनल बोस एक कवर में अपने आप को हील करते हुए, और 7C का एक प्लेयर यहाँ पे प्ले जोन का शिकार बना जो कि था सज। ग्रिफिन को भी दौड़ना पड़ेगा। सो पांच टीम 13 बंदे बाकी, एंटिटी नियो काफी ओपी गेम पे दिखाते हैं। यहाँ पे स्काउट ओपी ने 7C के ग्रिफिन को नॉकआउट किया, बट यहाँ पे स्काउट भी नॉकआउट होते हुए बिकॉज पीछे की तरफ से शॉट आया। पे फाइनल बॉस ने फाइनल शॉट्स दिए, बट उसी के साथ यहाँ पे फाइनल भी अपनी टीम के पास आते हुए, कवर काफी तगड़ा इनके पास, सेम एंटिटी की टीम के पास भी कवर, बट एंटिटी को भी जोन के अंदर आना, और गाड़ियां उनकी फूट चुकी हैं। नियो के पास एक बग्गी, बट नियो भी नॉकआउट पड़े काफी पीछे ओपन पोजीशन पे, सिर्फ और सिर्फ 56 सेकंड का टाइम, और इनको जोन में भी निकलना है। स्प्रे आते हुए सामने की तरफ से, मुझे लगता है गाइस मौका बन सकता है टीम फनेटिक के लिए, बिकॉज स्काउट बाकी है, ओवेश बाकी है, परितोष भी बाकी है, बट अगर एंटिटी को देखा जाए तो गाइस पूरा डोमिनेट किया उन्होंने इस मैच में, लास्ट फाइट में स्पेशली, क्योंकि काफी देर से ये लोग एक पोजीशन पकड़ के बैठे थे। जोन ने भी इनका एंड मोमेंट तक साथ दिया, बट अब की बार यहाँ से जोन कटता हुआ, क्लच गॉड जोन के अंदर आता हुआ, और यहाँ पे आई गेस टीम फनेटिक थोड़ा सा हेल्प करते हुए क्लच गॉड की। घातक ने नेड फोड़ा, SK49 एक बार फिर से नॉकआउट, ओवेश ने नॉकआउट किया यहाँ पे प्रोटोटाइप को, और टीम हाइप यहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करते हुए। वैनम ने एंटिटी घातक को दिए हेडशॉट, और यहाँ पे स्काउट के ऊपर गोलियां बरसाते हुए। सो गाइस तीन टीम नौ बंदे यहाँ पे, 4v3v2 की फाइट हो चुकी है, दो बंदे बाकी टीम हाइप की, और हाइप की टीम का फिनिश ऑफ किया। ओवेश को यहाँ पे प्रोटोटाइप का किल मिला, और वैनम का किल मिला यहाँ पे जेड गॉड को। 4v3 की फाइट, आखिरी फाइट टीम एंटिटी वर्सेस टीम फनेटिक। परितोष को यहाँ पे जेड गॉड की तरफ से डीपी का स्प्रे आया काफी तगड़ा, और अब की बार स्पैम करते हो M416 और 6x के साथ यहाँ पे, तो तीन किल हो चुके हैं यहाँ पे जेड गॉड के 14 किल के साथ टीम एंटिटी। बट टीम फनेटिक की बात की जाए तो फनेटिक की टीम भी काफी अच्छी तरह से खेलते हैं यहाँ पे। क्लच गॉड ओपन से आया और नॉकआउट किया यहाँ पे स्काउट ओपी ने, काफी प्यारा स्प्रे दिया। नियो भी यहाँ पे क्लोज इन कर रहे हैं, तीन प्लेयर सामने से आते हुए, स्काउट को थोड़ा सा ओपन होना पड़ा महंगा, क्योंकि सामने से रश होना ही था बिकॉज दोनों बंदे नॉकआउट थे। सो गाइस टीम एंटिटी ने निकाला चिकन डिनर।